हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीतिस फ्लेवर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ रबड़ी। रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर के करीब दूध लिया है और इसको मैं हाई फ्लेम पे बॉईल आने दूंगी। हाई फ्लेम पे एक बॉईल आने के बाद हमें गैस का फ्लेम एकदम लो कर देना है। अब हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है। ये जो मलाई है ना ऊपर की, इसको हम साइड में कर देंगे इस तरह से। जब हम बाहर की रबड़ी खाते हैं ना, एकदम जालीदार होती है ना, एकदम मज़ेदार, उसी तरह की रबड़ी आज हम बनाएंगे। एक लो फ्लेम पे सारी प्रोसेस करनी है। जो हमारी मलाई आएगी ना ऊपर, इस लेयर को हमें साइड में इस तरह से लगा देना है। इसी प्रोसेस को हम तब तक करेंगे जब तक ये जो मिल्क है ना हमारा हाफ ना हो जाए। इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी रबड़ी होती है ना, एकदम जालीदार बनती है। की क्वांटिटी हाफ हो गई है। अब हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। अब इसमें आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर सकते हैं, जैसा आपको मीठा पसंद हो, क्योंकि रबड़ी तो मोस्टली मीठी अच्छी लगती है, इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग शुगर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर दें। शुगर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जो साइड में मलाई की लेयर लगाई थी उसको हमें छुटा लेना है। बहुत ही आराम से छूट जाएगी इस तरह से। अब इसको चाहे तो आप इसी तरह से रखें, चाहे तो इसको इस तरह से पीसेस में कट कर लें। देखिए, तैयार है हमारी एकदम मस्त मज़ेदार जालीदार वाली रबड़ी। अब इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और ऐड कर दूंगी। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। एक बार इस तरह से रबड़ी बना लेंगे ना, तो मार्केट की रबड़ी खाना बंद कर देंगे। चलिए, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको फ्रिज में स्टोर करके आधे घंटे एक घंटे तक रख दें, जब ये ठंडी हो जाए तब खा सकते हैं। अगर आप गर्म खाना चाहते हैं तो गर्म सर्व कर सकते हैं। मस्त मज़ेदार एकदम जालीदार वाली रबड़ी बनके तैयार है। देखा ना आपने, इसे बनाना कितना आसान है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।